मोटापा दूर करने के लिए सब्ज़ियों का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम भी वज़न घटाने में मुआविन साबित होता है। शहद और दालचीनी का मिक्सर बनाएं, यानी कि पिसी हुई दालचीनी शहद में मिक्स करके एक बोतल में भर के रख लें और डबल रोटी पराठे रोटी पर जाम की जगह ये रोज़ाना लगा कर खाएँ। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, दिल की धड़कन मजबूत होती है। जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फलियां, भिंडी, बैंगन मदद देती हैं। इंजीर भी मोटापा कम करने में मदद देती है और रंग को भी साफ़ करती है, रंग गोरा करती है। दिन में 2 बार सब्ज चाय पीने से वज़न कम हो जाता है। वज़न कम करने के लिए शलजम को काट कर नमक और काली मिर्च छिड़क दें और इसमें लेमन जूस डाल दें। सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। वज़न कम करने का एक टॉनिक है, नीम गर्म पानी ले लें 1 जग और 2 लीमू और उसमें डाल दें और शहद के 4 चम्मच और दालचीनी जो है वो भी 1 टेबल पिसी हुई डाल दें। सबको मिक्स करके रख लें। दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करें। नीम गर्म थोड़ा सा गर्म करके इसको पी लें दिन में 3 बार और साथ 1 घंटा सुबह सुबह रोज़ाना वाक करें। 15 दिन में जिस्म की फालतू चर्बी सारी पिघल जाएगी और मोटापा जो है ये औरत की खूबसूरती का दुश्मन है, ख़वातीन को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। जवाइन इसके लिए ले लें आप 50 ग्राम। 1 गिलास पानी में इसको रात के टाइम भिगो के रख दें। सुबह पानी को छान कर इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस और 1/2 चम्मच शहद मिक्स करें और खाली पेट ये पानी पी लें। जवाइन से मोटापा कुदरती तौर पर कम हो जाता है, फालतू चर्बी पिघल जाती है और आपको 15 दिन में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसको मौसम सरमा में इस्तेमाल करें, गर्मियों में नहीं इस्तेमाल करें और वो लड़कियाँ भी इस्तेमाल करें जिनको मैसेज शुरू ना हुए हों।